नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी, सर्टिफाइड योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा तो अश्वगंधा को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसके क्या फायदे हैं, इसको महिलाएं ले सकती हैं नहीं ले सकती हैं, बॉडी बिल्डिंग लाइफ में कैसे आपको यूज करना है, इससे कैसे आप मसल गेन कर सकते हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इसको खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब पे आज हम बात करेंगे और सबको डिटेल में जानेंगे। हिमालयन या फिर पतंजलि या फिर श्री श्री हमें कौन सी अश्वगंधा लेनी चाहिए, क्योंकि यही मार्केट के अंदर पॉपुलर ब्रांड्स मौजूद हैं। आज हम इन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल भी आई इसे भी दबा दीजिए, उससे होगा ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो मिलेगी, ऐसी हेल्पफुल वीडियोज, आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलेगी। सो देखते हैं अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा को समझते हैं। अश्वगंधा होता क्या? अश्व मीन्स घोड़ा, गंधा मीन्स स्मेल, यानी घोड़े की स्मेल, जैसी घोड़े की स्मेल से आती है, जैसे ही अश्वगंधा की जड़ों से जो एक्सट्रैक्ट करके जो बनाई जाती है दवाइयां या अश्वगंधा जो होती है, इसमें से भी ऐसी स्मेल आती है। इसको आजकल मार्केटिंग में इस तरीके से ला दिया है कि हॉर्स की ताकत, जैसे हॉर्स में ताकत होती है ऐसे आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ा देता है, इस तरीके से मार्केट में इसको ला दिया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के एक फंडे हैं। अश्वगंधा बॉडी बिल्डिंग लाइफ में आपको जरूर मदद करेगी, क्योंकि अश्वगंधा को बताया जाता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अगर आप इसको इस्तेमाल सिंगल करेंगे तो ये इतना फायदा नहीं करेगा, अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे सतावर के साथ और गोक्षुरा के साथ तो आपको जरूर यह मदद करेगा। एक्चुअली जब हम अश्वगंधा लेते हैं तो ये आपके कॉर्टिजोल लेवल को, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है। तो ये कॉर्टिजोल को जब कम करता है, कॉर्टिजोल को जब हाई प्रेशर हमारी बॉडी में रहता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी में ज्यादा रहता है, तब हम और जो हमारे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स हैं, ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो पाते हैं, दब के रहते हैं नीचे कॉर्टिजोल के नीचे। लेकिन जब कॉर्टिजोल कम होता है, अश्वगंधा लेते हो, कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, तो आपके जो और हार्मोन्स हैं, मसल बिल्डिंग वाले हार्मोन्स हैं, आपके सेक्स ड्राइव वाले हार्मोन्स हैं, वो ऊपर डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं और आपको उससे मदद मिलती है। अश्वगंधा इस तरीके से काम करता है। अश्वगंधा का अगर आप पाउडर लेते हैं तो आपको 3 ग्राम पाउडर हल्के से गर्म गुनगुने दूध के साथ लेना है रोज। अगर सुबह लेंगे आपको तो यह मदद करेगा। साथ में ही जिन लोगों को अंदर गर्मी यानी पित्त की या वात की ज्यादा दिक्कत है, अंदर पेट में गर्मी बनी रहती है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल लगे ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होती है, आपकी बॉडी की दुर्बलता को दूर करती है, आपको अंदरूनी शक्ति प्रोवाइड करती है और आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसको ये बनाने में, आपको बल देने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आयुर्वेदिक हर्ब दैट इज कॉल्ड अश्वगंधा। अश्वगंधा को ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अश्वगंधा नमनेस के लिए बहुत ज्यादा सही है। जिन लोगों की बॉडी में नमनेस रहती है या फिर वो सोते हैं तो एक तरफ से सो जाती है उनकी बॉडी, या नमनेस हल्की हल्की सुन टाइप का उनकी बॉडी में रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये बॉडी में बढ़ाएगा, आपको अंदरूनी ताकत शक्ति प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है अश्वगंधा इस चीज़ में। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जिनकी बॉडी में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, वो अगर अश्वगंधा को लेंगे, अश्वगंधा का पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं, अश्वगंधा को कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर लेंगे तो ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि पाउडर को आप दूध के साथ दोगे, हल्के दूध के साथ उसमें हल्का सा मीठ डाल के, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मदद करेगा अश्वगंधा। अश्वगंधा हर तरीके की सेक्सुअल डिसऑर्डर में, मेंस हो या वुमेन, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस में अगर प्री मेच्योर इजेक्शन की दिक्कत है तो उसको भी दूर करता है, और जिस तरीके के भी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है उनको ही मदद करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप ले सकते हैं। आप हिमालयन, पतंजलि या श्री श्री किस तरीके की लेनी है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड पे जा सकते हैं, एक से एक अच्छी ब्रांड अपनी मार्केटिंग कर रही है। अगर आप लेते हैं, हिमालयन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सेकंड नंबर पे पतंजलि इसमें पॉपुलर है, अगर आप लेते हैं तो आपको जरूर मदद करेगा। आप कैप्सूल में भी ले सकते हैं और इस तरीके से आपकी जिम लाइफ में भी यह मदद करेगा, क्योंकि जिम लाइफ में जब आपका स्ट्रेस कम होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो ऑलरेडी आपको मसल मास अपना गेन करने में इजीली बढ़ेगी। तो अगर आप लेते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। अश्वगंधा आपको स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा, आपको ओवरऑल बॉडी को मदद करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं अपनी राय। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आयुर्वेदिक से रिलेटेड या किसी और इस चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। देखते रहिए ऐसी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार।